जीवन में हो खुशियाँ, खुशियाँ हो जीवन में। है आरबी जोन का बंधन जीवन भर जो ना छूटे, बना रहे ये विश्वास जैसे अपना कोई आस पास, जैसे अपना कोई आस पास, जैसे अपना कोई आस पास, जैसे अपना कोई आस पास। खुशियां लाए आपके घर आरबी जोन इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर। कादंबनी चिल्ड्रंस एकेडमी, सीबीएसई एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर, इंदिरा नगर, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया, उज्जैन आज में आपका स्वागत है। उपचुनाव में भाजपा की जीत का जश्न टावर चौक पर मनाया गया। जश्न में कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन व कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत का उज्जैन के टावर चौक पर भी जश्न मनाया गया। यहां कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी, विवेक जोशी, विशाल राजौरिया, भानु भदौरिया सहित भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। आज 14 तारीख को दिवाली है, लेकिन दिवाली 10 तारीख को मनाली मध्य प्रदेश की जनता ने कमल का फूल खिलाकर मध्य प्रदेश का चहुंमुखी विकास का रास्ता साफ किया है और कांग्रेस का सफाया किया है। मैंने पहले ही कहा था, हमेशा कहता हूं मैं, कि धोखा देकर आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल किया, हर वर्ग को धोखा दिया और 15 महीने में जनता त्राही त्राही करने लग गई। और ऐसे में जनता चाह रही थी कि हमसे गलती हो गई, वापस ये कांग्रेस की सरकार जाए और भाजपा की सरकार आए, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, ये आम जनता 7.5 करोड़ चाहती थी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 6 मंत्री और 22 विधायकों ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर, अपने विधायक मंत्री पद छोड़कर, राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए। जनता ने उनका स्वागत किया और जनता के मन की बात की उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कुशासन दिया, भ्रष्टाचार दिया, लूट की, और इसलिए कांग्रेस का सफाया हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है, सबका साथ सबका विकास। आज बहुत खुश हैं, देखिए सबके चेहरे खिले हुए, आप लोगों के भी चेहरे खिले हुए, सबके मन की बात हुई है। और इसलिए अब मध्य प्रदेश का, एक तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से आ गई और अब तेज गति से हम विकास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। गांव, गरीब और किसान हमारी पहली प्राथमिकता। इस दौरान मंत्री कमल पटेल व सभी नेता खुशी में नाचते हुए दिखाई दिए। टावर चौक पर कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे लहराते हुए नारेबाजी की। यहां मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 14 तारीख को आने वाली दीपावली को प्रदेश की जनता ने आज 10 तारीख को ही मना ली। अनिल फिरोजिया ने सभी को बधाइयां दी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से बिहार में भी जीती है और मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। यह जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा टावर चौक में मनाया गया।